दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे क्रीम फाइनेंस के अपडेटेड लेवल्स, एंट्री पॉइंट्स और आने वाले दिनों में आपके लिए टारगेट्स करेंगे। करंटली कॉइन 19.7 यूएसडी पर ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा ब्रेकआउट, एक अच्छा क्विक पंप हमें इसकी प्राइस में पिछले 3-4 दिनों में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर इस कॉइन ने 21-22 यूएसडी से ऊपर वाले लेवल्स को ट्राई किया और अभी भी एक अच्छी स्टेबिलिटी इस लेवल पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर जिन लोगों ने हमारा प्रीवियस वीडियोज़ देखे, हमने जो टारगेट्स अपडेटेड लेवल बताए थे, आप एक अच्छे खासे लेवल पर एग्जिट हुए होंगे, अच्छा प्रॉफिट आपने जनरेट किया होगा। सेकंड, जो इस कॉइन में बाइंग देख रहे हैं, एंट्री मिस की है, किस लेवल पर प्राइस आती है तो आपको बाय करना है, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है, ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जा सके, चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजॉल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 19.6 USD पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा है। इस कॉइन ने अभी कल भी 21.8 USD वाला लेवल ट्राई किया। अभी रिसेंटली इसने 2 बार 21 USD से ऊपर वाले लेवल्स को ट्राई किया था। हाल ही में इस कॉइन की लिस्टिंग जो है वो USD पेयर में हुई है। पहले ये कॉइन बिनांस पर BUSD पेयर में था, तो अभी BUSD पेयर से इसकी डी लिस्टिंग कर दी गई है। अभी ये कॉइन आपको BUSD पेयर में नहीं देखने को मिल रहा है। पहले ये कॉइन सिर्फ BUSD पेयर में लिस्टेड था। उस टाइम पे ये कॉइन 10, 12, 13 USD अराउंड में ट्रेड कर रहा था और बार बार इस कॉइन ने, पहले भी हमने इस कॉइन में 17, 18, 20 USD वाले लेवल्स को ट्राई करते हुए देखा है। अभी प्रीवियस अगर हम बात करें, मई मंथ, जून मंथ के बाद इस कॉइन ने एक अच्छा मूव लिया था और जून मंथ के अराउंड में इस कॉइन ने 33, 35 भी USD को ट्राई किया था। उसके बाद से अच्छा खासा करेक्शन था। 10, 12 USD पर ये कॉइन ट्रेड भी कर रहा था। हमने आपको 26 अगस्त को, यानी पिछले महीने, इस कॉइन में 11 USD पर एंट्री बताई थी। BUSD पेयर की अगर बात करें, BUSD में लिस्ट था, तो BUSD और USD ऑलमोस्ट जब प्राइस होती है तो ऑलमोस्ट बराबर ही होती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है क्योंकि ये स्टेबल कॉइन्स हैं और इनमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलती। इनकी जो प्राइस रहती है वो 1 USD रहती है, यानी कि अगर आप बात करें BUSD की तो वो भी प्राइस आपकी, अगर बात करें 1 USD रहेगी और USD की प्राइस भी 1 USD ही रहेगी। तो जो भी स्टेबल कॉइन्स है उनके पेयर में लिस्टिंग होती है तो उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। तो हमने 11 USD अराउंड में एंट्री ली थी इस कॉइन में। टारगेट आपको 14 USD और 15.5 शॉर्ट टर्म में बताए थे, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 14 और 14.5 बताए थे, जिसको इस कॉइन ने अभी हाल ही में लिस्ट, अभी जब USD पेयर में लिस्टिंग हुई थी, एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ और अच्छा खासा लेवल इस कॉइन ने ट्राई किया था, वहां पर इस कॉइन ने हिट किया, हमने अच्छा प्रॉफिट इस कॉइन में जनरेट किया। सेकेंड, वहाँ से करेक्शन हुआ, प्राइस ने 2 बार 16.5, 14.7 को ट्राई किया, यहाँ से 2 बार इसने 21, 22 को ट्राई किया। तो हमने प्रीवियस वीडियो भी शेयर किया था और मैक्सिमम जो लेवल्स है वो आपको बताए थे कि किन लेवल्स तक प्राइस जा सकती है। तो वीकली में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है, जिससे ऊपर अगर ये मेंटेन रहता है तो नेक्स्ट लेवल को ये आने वाले वीक्स में ट्राई करेगा, ये चीज़ हमने आपको बताई थी। एक लेवल है यहाँ पर 14 USD वाला। देखिए, यहाँ पर ज़्यादा चार्ट शो नहीं होंगे क्योंकि USD पेयर में अभी 4-5 दिन पहले इसकी लिस्टिंग हुई है, तो यहाँ ज़्यादा चार्ट शो नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो जो ब्रेकआउट है वो 11.1 से देखने को मिला था। USD पेयर में इसकी प्राइस 57 तक चली गई थी, लेकिन BUSD में अगर आप देखेंगे तो 23-25 तक प्राइस गई थी। तो वीकली के अंदर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है जो कि 14 USD वाला लेवल है और एक 19 USD वाला लेवल है। तो अगर इस वीक में, आने वाले 2-3 दिन बाद वीकली क्लोजिंग होनी है, अगर ये इस वीक में अपनी क्लोजिंग 19 USD से ऊपर कर लेता है तो नेक्स्ट वीक में हमें ये इस कॉइन के जो टारगेट है 24 से लेकर 28-30 USD तक देखने को मिल जाएंगे। अगर 14 USD पर अगर ये वीकली क्लोजिंग करता है, यानी कि ऐसा कंपलसरी नहीं कि 14 पर भी प्राइस आए, लेकिन 19 से नीचे और 14 से ऊपर क्लोज करता है तो 14 इसको सपोर्ट रहेगा और 19 वाला जो है वो एज इट इज रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो पहले भी रेजिस्टेंस था। तो उस लेवल पर अगर ये वीकली क्लोजिंग करता है 14 से ऊपर, तो फिर ये कॉइन इस वीक में, आने वाले नेक्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेगा। 20 USD, 22, 18 USD इसके अराउंड ये घूमता रहेगा। तो इम्पोर्टेंट रहे कि ये कॉइन 19 USD से ऊपर वीकली क्लोज करे, ताकि हम नेक्स्ट वीक में इस कॉइन में अच्छे ब्रेकआउट देखें। अब हमने प्रीवियस वीडियो में जो टारगेट बताए थे,
आपको 24 और 26 यूएसडी वो इसी बेसिस पे बताई थी कि आप अगर होल्ड कर सकते हैं नेक्स्ट वीक तक का तो आपको वो टारगेट रखना है, नहीं तो हमने जो 23 वाला वीडियो शेयर किया था 23 ऑफ सेप्टेम्बर को, उसमें हमने आपको 20 यूएसडी और 21 यूएसडी पर एग्जिट होने के लिए बताया था कि अभी अगर आप एग्जिट होना चाहते हैं तो आपको 20 और 21 पर एग्जिट हो जाना है, और अगर आप वेट कर सकते हैं आने वाले एक दो वीक का तो आपके लिए 24, 26 तक के टारगेट, 28 तक के टारगेट रहेंगे, जिनमें आपको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 24, 26 पर और शॉर्ट टर्म में 28 तक का टारगेट रखना, सेल लिमिट लगा के रखनी। ये हो गया, अभी भी अगर आप चाहते हैं एग्जिट होना तो सेम वही 20-21 के अराउंड में ये अभी ट्राई कर लेगा, 20 पर अभी प्राइस चली जाएगी आप वहाँ पर, और 21 पर दो पार्ट में आपको 50-50 के पार्ट में एग्जिट हो जाना है अगर आप अभी एक दो दिन के अंदर एग्जिट होना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी एक अच्छे लेवल को मेंटेन किया हुआ और ये कॉइन इस लेवल को मेंटेन करेगा। डेली के अंदर 18.5 यूएसडी वाला सपोर्ट एरिया है और 21.5 रेजिस्टेंस एरिया है। अब एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज़ निकल के आती है कि जब भी किसी कॉइन में ब्रेकआउट होता है बहुत सारी क्वेरीज उससे रिलेटेड आती है, ज़्यादातर एंट्री से रिलेटेड आती है। पहले जब हम आपको एंट्री बताते हैं तब एंट्री नहीं लेते हैं, और जब ब्रेकआउट हो जाता है मूव कर जाता है तब बार बार उससे रिलेटेड सारी एंट्री यहाँ पर ले ली, हमने यहाँ पर एंट्री ले ली 20 यूएसडी पर एंट्री ले ली 22 पर, तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। अगर आपने एंट्री मिस कर दी है और इसी कॉइन में ही आपको एंट्री चाहिए तो थोड़ा सा वेट करिए। देखिए एक बार ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट के बाद अच्छा करेक्शन होता है और एक लेवल रहता है जहाँ पर बायर्स एक्टिव रहते हैं, ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन वहाँ पर बाय करते हैं, यानी बड़ी अमाउंट वहाँ पर बाइंग होती है तो एक वॉल्यूम वहाँ पर जनरेट होता है तो वहीं से ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो अभी अगर ये 2-4 दिन के अंदर करेक्शन करता है तो आपको 16 और 15 दो लेवल पर एंट्री ले लेनी है। हालांकि थोड़ी सी रिस्की रहेगी क्योंकि प्राइस 13-14 तक जा सकती है, लेकिन आप दो पार्ट में लेंगे और स्पॉट के अंदर तो इतना कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो 16 और 15 दो पार्ट में आपको एंट्री ले लेनी है, प्राइस वहां अभी जाती है 2-4 दिन के अंदर तो, और टारगेट आपके लिए 20-22 ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 20 यूएसडी फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 22 और शॉर्ट टर्म वालों के लिए 24 यूएसडी वाला लेवल टारगेट रहेगा। इस लेवल पर आपको सेल करना है। और इसके अलावा अगर आप दूसरे कॉइन्स देख रहे हैं जिनमें अच्छी अपोस्टी है, ऑलरेडी हमने आपको कल भी वीडियो शेयर किए एंट्री पॉइंट्स के, पहले भी शेयर किए हैं और हम रेगुलर शेयर करते हैं, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि आप एक ही कॉइन में इन्वेस्टमेंट करें। हमने पहले बताया आपको कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें, यानी कि 4-5 कॉइन में आपका ट्रेड चलते रहना चाहिए ताकि बैक टू बैक आपका प्रॉफिट जनरेट होता रहे। अगर आप एक ही कॉइन में पूरी कैपिटल लगा देंगे तो आप उसमें फंस जाएंगे, वो कितने दिन में मूव हो रहा है, 15 डेज में या 1 मंथ में, कभी 2 मंथ लग जाते हैं, या करेक्शन उसमें लगातार हो रहा है तो आप उसमें फंस जाएंगे। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें, 20% से ज़्यादा पार्ट आपको एक कॉइन में नहीं लगाना है ताकि आपका पोर्टफोलियो जो है वो मेंटेन रहे। तो जो दूसरे कॉइन्स हमने बताए कुछ पार्ट उनमें भी लगाएं, उनमें भी ब्रेकआउट के चांसेस हैं और कुछ कॉइन मूव भी कर रहे हैं, अच्छे खासा प्रॉफिट भी दे रहे हैं। इसके अलावा जो भी नए इन्वेस्टर ट्रेडर है वो हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में ज़रूर एनरोल करें, वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जाएगी, चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरी रिजोल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर की जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हैं, वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।